बॉलीग रात के न्यूज गलियारे में आपका स्वागत करते हैं। जोया अख्तर की अगली फिल्म का नाम गली बॉय नहीं गुल्ली बॉय है। फिल्म के नाम के उच्चारण को लेकर आ रही दिक्कतों के बाद ये फैसला लिया गया। फिल्म में रणवीर स्लम एरिया में रहने वाले रैपर का किरदार निभा रहे हैं। सलमान खान इन दिनों भारत की शूटिंग कर रहे हैं। चर्चा है कि उन्होंने इस फिल्म में अपने खास दोस्त संजय दत्त को एक कैमियो ऑफर किया था। फिल्म में कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, जिनमें से एक संजय को ऑफर किया गया था, पर संजय फिल्म में बड़ा रोल करना चाहते थे, इसलिए बात नहीं बन पाई। संजू फिलहाल तोरबाज और कलंक की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा उनके पास 3 और फिल्में प्रस्थानम, पानीपत और शमशेरा है। इन फिल्मों की शूटिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। बटला हाउस में जॉन अब्राहम के अपोजिट होंगी मृणाल ठाकुर। टेलीविजन से फिल्मों तक का सफर तय कर चुकी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की पहली फिल्म लव सोनिया जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही वे ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 की शूटिंग कर चुकी है। अब सुनने में आ रहा है कि वे जॉन अब्राहम के अपोजिट फिल्म बटला हाउस में दिखाई देंगी। बता दें कि ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसे निखिल अडवाणी डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। जॉन फिलहाल रॉ की शूटिंग में बिजी है। इसके अलावा मृणाल एक वेब सीरीज का भी हिस्सा है। खुद तेलुगु सीखकर डबिंग कर रही हैं श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर उन कलाकारों की लिस्ट में आती हैं जिन्होंने फिल्मी बैकग्राउंड होने का फायदा नहीं उठाया। वे शुरुआत से ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करती आई। अपनी फिल्मों में वे किरदार को परफेक्ट बनाने के लिए जमकर मेहनत करती हैं। कुछ ऐसा ही वे अपनी पहली मल्टीलिंगुअल फिल्म साहू के लिए कर रही हैं। वे इसके लिए बाकायदा तेलुगु सीख रही हैं। उन्होंने डायलेक्ट्स कोच तो हायर किया ही है, साथ ही वे पहले शेड्यूल के दौरान को एक्टर प्रभास से तेलुगु डायलॉग्स पर मदद भी लेती रही। श्रद्धा ने बताया कि सेट पर मैंने अपने डायलॉग्स तेलुगु में भी बोले। मेरी कोशिश है कि दर्शकों से फिल्म में मेरी ही आवाज इंटरेक्ट करे, तेलुगु में किसी और से मेरी आवाज डब ना करवाई जाए। हालांकि अंतिम फैसला तो मेकर्स का ही होगा। प्रभास का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे बहुत सिंपल है। बहरहाल फिल्मों में काम करने का ये अलग फायदा है कि आप धीरे धीरे कई भाषाएं सीख जाते हैं। इसका फायदा एक्टिंग में भी होता है। आगे साइना नेहवाल की बायोपिक के लिए भी मैं अलग अलग डिक्शन सीखूंगी, ऐसा कहना है श्रद्धा कपूर का। आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तब्बू स्टारर फिल्म अंधाधुन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म की शूटिंग 5 सितंबर से शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड के गलियारे में क्या हलचल हो रही है ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ।